subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 7. A kite in the shape of a square with a diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and sides 6 cm. Each is to be made of 3 different shapes. एक काइट है जिसमें उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो स्क्वायर है एंड नीचे वाला पोर्शन जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस 8 है एंड उसके जो दो बाकी की साइड्स हैं वो है 6. फाइन, सो आपको ये बताना है कि तीन शेड में उसको बनाया गया है तो तीनों शेड्स का कितना कितना एरिया है एंड हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया फॉर ईच शेड. लेट अस सी हाउ. सबसे पहले जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एक स्क्वायर है. So square has a diagonal 32 meter. ये हमें already given है question के अंदर कि उसका जो diagonal है वो 32 centimeter each है. Fine. So area of square, अगर हम उस area, उस square का area निकाले, so it is equal to half into 32 into 32. जो भी दो diagonals हैं, उनको हमने multiply किया and half से multiply कर दिया, which is equal to 512 centimeter square. Okay. So area of square हमारे पास आ गया 512 centimeter square. फाइन, अब अगर हम ये देखें, जो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो स्क्वायर हमें गिवन है वो दो कलर के पेपर्स में डिवाइडेड है. सो रीजन 1 एंड रीजन 2 जो है उसमें वो डिवाइडेड है पूरा स्क्वायर. सो इट इज अल्टीमेटली इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ऑल ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर. सो 512 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो आ गया फर्स्ट एंड सेकेंड रीजन का एरिया, दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच. अब जो नीचे वाला पोर्शन हमें थर्ड रीजन हमें गिवन है, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड उसकी डायमेंशंस है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. सो इसमें भी हम सेम तरीके से पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे विच इज इक्वल टू 8 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर. अब फाइनली एरिया ऑफ द थर्ड रीजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जो सेमी पेरीमीटर हमें गिवन है, इट इज 10. सो 10 इंटू 10 माइनस 8 into 10 minus 6 into 10 minus 6. Further subtract करने के बाद we will get under root of 10 into 2 into 4 into 4. Further उसका square root निकालने के बाद we get 8 root 5 centimeter square as the area of the third region. So ये हो गए हमारे तीनों regions के areas.